अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये देखें जी, हमारी जो है ब्रिया, ये सर्दियों में जो है ना ठंडे फर्श पे क्रॉलिंग कर। तो आज हम बनाएंगे जी बर्गर। यहाँ पिज्जा ने सारी लाइट्स ऐसे ऑन किए जैसे कोई रात का टाइम हो। नो, लाइट ऑन करूं? ओके वेट। बस चलो, तो आज हम बनाएंगे जी ये वाले बर्गर, क्योंकि इधर सिंपल जो बनने वो तो खाती नहीं है, तो इसलिए आज इसको इसमें बॉयल एग लगा के और बटर लगा के बनाएंगे। तो जी हमने पानी ले लिया इसमें, और ये हमारा स्पेशल बर्तन है, इसमें हम सिर्फ एग बॉयल करते हैं। तो अब हम इसको रखते हैं चूल्हे पे, और सिलेंडर की वजह से जो है गैस जो है हमारी सिर्फ इतनी सी आती है, और इतनी सी गैस पे जो है ना हमें एग बॉयल करना पड़ेगा। तो चलो काटते हैं। खैर, तो हमने एक अंडा ढूंढ लिया है जो कि बिल्कुल भी कहीं से टूटा नहीं हुआ, नहीं तो टूटा अंडा रख दो तो जो है ना फट जाता है अंडा अंदर। चलो जी, अब हम ये देखें जी, हमारी ब्रिया जो है ना बेचारी क्रॉलिंग करती हुई किचन में आ गई हैं, देखने के मामा जो है ना किचन में क्या कर रही है। कौन से कपड़े पहनने हैं इज़ा ने? कौन सा? ये शर्ट और ट्राउजर निकाल लिया है इज़ा का, तो अब इसको करते हैं रेडी। चले इज़ा दिखाएं, आप रेडी हो गई हैं? यस। पोनी दिखाएं, पोनी उधर को टर्न है। ओ वाओ, अब हम करेंगे ब्रिया को रेडी। ब्रिया ने इतने गंदे कपड़े कर लिए हैं, अब हम ब्रिया को पहनाएंगे कपड़े। और लो जी, अब हमारी ब्रिया भी हो गई है रेडी, और क्योंकि विंटर्स आ गई हैं, एक नीचे भी शर्ट हो गई है और एक ऊपर स्वेट शर्ट हो गई है। और इधर देखें जी ईज़ा को। ईज़ा आप किधर जा रही हैं? बाहर नहीं जाना? बाहर नहीं जाना, कह रही है ईज़ा रेडी है, तो ईज़ा जा रही है बाहर। विंटर जैसे आए थे, और बच्चों के तो बस कपड़े जो है ना डेली डेली इतने ज्यादा हो जाते हैं। ईज़ा वॉकर पकड़ाए, ब्रिया की वॉकर जी, वॉकर। अब हम डालते हैं ब्रिया को वॉकर में और बनाते हैं ईज़ा का जाके बर्गर। ब्रिया अब आ गई है वॉकर में, और आप निकल जाएंगे बाहर को, देखिएगा ब्रिया की स्पीड चेक करें आप। बस आजकल ब्रिया जो है ना सिर्फ किचन में पाई जाती है अपनी वॉकर के साथ किचन। और उतनी देर में हमारा अंडा जो है वो फुल टाइम उबल गया, और अब चलें जी, हमने इसको भी कट कर लिया, और ये ईज़ा के काम है जो पाइट कर गई है ऊपर से। तो अब हमने चूल्हा यहाँ पे चढ़ा के इसको करते हैं गरम, और इसको हम मैश करेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे एडम का बटर। यहाँ पे मैंने अंडे को और बटर को अच्छे तरीके से मैश कर दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दिया हम, इसमें थोड़ी सी डालेंगे मायोनीज, ताकि बच्चे जो हैं शौक से खाएंगे, क्योंकि ईज़ा को मायोनीज बहुत पसंद है। ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा रेडी हो गया है। इसको अब हम इस पे बन पे लगाएंगे, और ईज़ा को ये बहुत पसंद है, और ये मेरे ख्याल से सब बच्चों को ही पसंद होगा। अगर आपके पास ये अच्छी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, या बच्चों के लंच के लिए स्कूल के, तो ये बेस्ट है सबसे ज़्यादा। तो अब हम इसको लगाते हैं इसके ऊपर, और ये देखें बेचारा तवे पे थोड़ा सा जो है ना डार्क हो गया है, तो अब हम इस पे लगाएंगे, तो फिर देखते हैं कि ईज़ा को कैसा लगता है। ये इसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिए, तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये इसका सेकंड पार्ट। तो जी हो गया रेडी, और अब हम ईज़ा को लेके जाते हैं बाहर, और उसको खिलाते हैं, उसको देखते हैं कैसा लगता है। तो जी ईज़ा को तो ये काफ़ी पसंद आया, और अब देखते हैं, अब आपकी बारी है कि आप इसको बना के ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके बच्चों को कैसा लगा। और मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।